स्वागत है व्यूअर्स मेरे चैनल में एक बार फिर से। व्यूअर्स आप में से कई व्यूअर्स ने ये जानने की इच्छा जाहिर की है कि जन्म कुंडली में ग्रहण योग से क्या क्या जीवन में समस्याएं आती है और कितने डिग्री होने पर ग्रहण योग होता है। मैं बताना चाहूँगा व्यूअर्स अपने चैनल के माध्यम से, यदि आपके कुंडली में राहु केतु ने ग्रहण योग बनाया है तो वो आपको संपूर्ण जीवन कभी भी शांति से जाने नहीं देगा। ऐसा माना जाता है कि पूर्व जन्म में किए गए कुकर्मों का जो फल है वो ग्रहण योग के द्वारा दर्शाया जाता है। आइए एक दृष्टिकोण डालें और जानते हैं ग्रहण योग से कैसे जूझा जाए और अपने ज़िंदगी की यात्रा को कैसे मंगलमयी बनाया जाए। मैं कहना चाहूँगा व्यूअर्स, चंद्रमा मन का स्वामी होता है और मन को प्रभावित करता है। जब भी चंद्रमा दूषित होता है मन और मन की समस्याएं व्यक्ति को खूब परेशान करती है। जिसने इस संसार में मन को जीत लिया उसने पूरे विश्व को जीत लिया, जिसने मन को जीता नहीं तमाम उम्र वो दुख दर्द परेशानियों में उलझा ही रहेगा। मन पर विजय आसानी से पाया जा सकता है यदि आपके जन्म कुंडली में ग्रहण योग नहीं है, चंद्रमा दूषित नहीं है। यदि राहु केतु ने आपके चंद्रमा को दूषित करके ग्रहण योग बना दिया है तो आपकी नौकरी में परेशानी, विवाह में परेशानी, प्रेम में परेशानी, पैसा कमाने में परेशानी और तरह तरह के लोग आपको टॉर्चर परेशान करेंगे, आपके मन को दुख पहुंचाएंगे, आपको धोखा बेईमानी करेंगे। यहाँ आप कुछ कर नहीं पाएंगे, वो आपके सामने आएंगे और उनका बिहेवियर, उनका जो वार्तालाप होगा वो इस प्रकार का होगा कि आपको नफरत पैदा होगी। लेकिन आप इसको मान के चलना, इसमें ना तो उनका दोष है ना आपका, आपने जैसे बीज बोए उसका फल इस जन्म में आपके सामने ग्रहण योग के द्वारा आ रहा है। चंद्रमा मन का स्वामी होता है और मन को प्रभावित करता है। जब भी चंद्रमा दूषित होता है मन और मन की समस्याएं व्यक्ति को खूब परेशान करती है, यहाँ तक कि लोग बड़ी से बड़े कदम इस कारण ले लेते हैं और बाद में बहुत बड़ी समस्या में फंस जाते हैं। जितने भी जिंदगी के गलत निर्णय होते हैं उसमें अपना हाथ नहीं होता, दूसरा व्यक्ति हमें क्यों दुख पहुंचाएगा, दूसरा व्यक्ति हमें क्यों नुकसान पहुंचाएगा, दूसरा व्यक्ति हमारे प्रति गलत धारणा क्यों रखेगा, दूसरा व्यक्ति हमसे दुश्मनी क्यों रखेगा, क्योंकि आपके जन्म कुंडली में ग्रहण योग है और ग्रहण योग के उपचार के लिए आपने कोई उपाय नहीं लिया। और अगर आप चाहते हो रिलीफ उपाय तो मेरे इस वार्ता को जरूर ध्यान से सुनना। चंद्रमा को सबसे ज़्यादा दूषित राहु करता है। अगर राहु और चंद्रमा का योग हो आपकी जन्म कुंडली में तो इसे शुद्ध रूप से ग्रहण योग कहा जाता है, भृगु संहिता। परंतु चंद्रमा शनि या चंद्रमा केतु का योग को ग्रहण योग नहीं कहा जा सकता पूर्ण रूपेण, ऐसा ज्योतिषीय शास्त्रों में वर्णित है। ग्रहण योग जब भी कुंडली में हो यह सिर्फ समस्या ही पैदा करता है। बच्चों की समस्या, नौकरी में समस्या, वैवाहिक जीवन में समस्या, मन में अशांति, आप स्वयं अशांत रहेंगे, आपके जीवन की जो यात्रा है वो अशांतियों से डूबा रहेगा। सब कुछ होने के बावजूद भी एक अकेलापन, एक खालीपन, लोगों से वैमनस्य, दुश्मनी अपने आप चलेगी, लोग अपने आप चिढ़ेंगे आपसे और आपको डैमेज नुकसान करना चाहेंगे। यहाँ पूजा पाठ दान पुण्य करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूर्व जन्म का जो ग्रहण योग आपके कर्मों के कारण इस जन्म में क्रिएट हुआ है ये आपको डैमेज नुकसान दूसरों के द्वारा करवाएगा। जैसे किसी को जहर दे देना, किसी के विवाह में बाधा उत्पन्न करना या किसी के संतान को परेशान करना, किसी का वैवाहिक जीवन खराब करना, किसी को विवाह में गलत संबंध जोड़ देना,
ऐसे तमाम पाप वाले क्रिया जिसके कारण दूसरों का घर में अशांति हो और पाप वाले काम हो, इसके कारण जो ऐसा काम करता है उसको फिर कुछ इस जन्म में और कुछ आने वाले जन्म में बहुत विशाल मात्रा में भुगतना भी पड़ता है। पहले तो मज़ा आ जाता है, हाँ हमने उसका घर तोड़ दिया, हमने उसका ये नुकसान कर दिया, हमने उस पर ये तंत्र चला दिया, घर परिवार में लड़ाई हो गई, अशांति हो गई, और खुद भी तैयार रहना, फिर खुद भी भुगतने के लिए तैयार रहना। पहला तो वो भुगतेगा अपने कर्मों से, आपके कर्म के कारण, फिर बाद में आपको भी भुगतना पड़ेगा। ये घृण योग के कारण है, आपको तरह तरह गंदे विचार भी आएंगे यदि आपने उपाय नहीं लिए तो। जनरली लोग पूछते हैं कि घृण योग से किस प्रकार की समस्याएं होती है। व्यक्ति को सबसे ज़्यादा मन की समस्याएं परेशान करती है, उसे मन और कल्पना की समस्याएं बहुत ज़्यादा परेशान करती है। व्यक्ति आमतौर पर भूत प्रेत बाधा का शिकार हो जाता है और शिकायत करता है। कभी कभी नींद ना आने की भी गंभीर समस्या आ जाती है। फिर उपाय क्या है? ऐसा उपाय शास्त्र वर्णित है, हर हाल में नशा करना और तीखी चीज़ें खाना बंद कर दें। नित्य प्रातः 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। एक चांदी का छल्ला दाहिने हाथ के अंगूठे में पहनें। मैं ये कहना चाहूँगा व्यूअर्स, अपने चैनल के माध्यम से ग्रहण योग से दाम्पत्य जीवन में किस तरह की समस्या उत्पन्न होती है उसको भी जानिए, ताकि अगर आपको दाम्पत्य जीवन में परेशानियाँ चल रही है तो इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। भले आपने लव मैरिज किया हो, भले आपके पारिवारिक जीवन बहुत प्यार वाला रहा हो और अचानक राहु केतु की दशा शुरू हुई और आपके कुंडली में चंद्रमा और राहु का योग है और अशांति इतनी भारी मात्रा में हुई कि आप संभाल नहीं सके, ग्रहण योग होने पर दाम्पत्य जीवन नर्क बन जाता है। मेरे पास एक नई अनगिनत कुंडलियाँ दुनिया भर से आती है और लोग पूछते हैं। यूँ तो मेरे को समय नहीं मिल पाता, मैं पूरा जवाब नहीं दे पाता, लेकिन अब मैं ये चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोगों को जवाब दूँ और कुछ लोगों से मोबाइल में भी बात करूँ। और आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा, आप में से भी अगर कोई आप दुनिया भर में सुन रहे हैं कुछ बढ़िया ध्यान ज्योतिष या तीर्थ स्थल के बारे में कोई वीडियो बनाते हैं 4-5 मिनट का, वो मेरे को भेज सकते हैं। अगर मेरे को ठीक लगा तो मैं अपने चैनल में उसको अपलोड कर सकता हूँ। और जब भी आप भेजें तो उसकी जो किसी और को ना दें, अगर मेरे को पहले बार दें उसके राइट्स मेरे को भेजें एक मेल करके। मेरे को ठीक लगेगा मैं उसको अपलोड करूँगा, और जिसका मैं अपलोड करूँगा उसका कुंडली में डिटेल में उसे पर्सनली मैं आधा एक घंटा बात करूँगा, और या फिर मैं उसको और किसी काम में भी अपने साथ आने वाले समय में जोड़ सकता हूँ। बस ये कि वीडियो जो है फर्स्ट टाइम अपलोड होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए। आप अपने एरिया में दुनिया भर में रहते हैं, वह तीर्थ स्थल हैं, किसी भी धर्म जाति का हो या कोई ऐसा नेचुरल ब्यूटी भी है, सीन्स हैं, किसी आस्था का कोई केंद्र है, जो 2-4-5 मिनट का वीडियो हो जो लोगों तक पहुँचाया जा सकता है, योगा का भी हो सकता है, ध्यान का भी हो सकता है। दूसरा व्यूअर्स, मैं ग्रहण योग के बारे में बताऊँगा, बिना किसी ठोस कारण की समस्याएँ ज़िंदगी भर आने लगती है। जिस घर में रहते हैं तो पड़ोसी परेशान करेगा, आपका नौकर परेशान करेगा, अपने आप लोग आपको टॉर्चर करेंगे। ग्रहण योग के कारण पति पत्नी में शक पैदा हो जाता है, ये राहु करवाता है। बहुत अच्छा प्यार है, शक है कि तुम यार लेट से आते हो, शायद ये करते होगे, शायद वो करते होगे, शायद अपनी सैलरी सही नहीं बताते, शायद ऐसा है, शायद वैसा है। अगर इस प्रकार के विचार आए तो सावधान व्यूअर्स, ये पूर्व जन्म के ग्रहण योग है जो आपके पारिवारिक जीवन को तहस नहस करेगा, आपकी किसी से फ्रेंडशिप को तहस नहस करेगा, आपके कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट को भी तहस नहस करेगा। यहाँ पूजा पाठ दान पुण्य सत्संग जरूर करिएगा। ग्रहण योग के कारण पति पत्नी में शक बहुत भारी मात्रा में होता है, कभी कभी एक्स्ट्रा मैरिटल विवाह उपरांत संबंध भी बन जाते हैं, यह ग्रहण योग के कारण होता है। और व्यक्ति समझ नहीं पाता और माया रूपी जाल में फंस जाता है और घर में परेशानी उत्पन्न होती है। घर में नियमित रूप से शिव पार्वती की उपासना करें, मेरा ये सजेशन है। सोमवार को खीर जरूर खाएं, बहुत ज़्यादा मार्बल या पत्थरों वाले घर में ना रहें। स्ट्रीट डॉग्स जो सड़कों में कुत्ता घूमते हैं उनको खिलाएं, गरीबों को भोजन करवाएं, विशेषकर शनिवार को। ग्रहण दोष होने पर व्यक्ति को विचित्र तरह की बीमारियां भी परेशान करती है। कभी कभी कुछ बीमारियों के लक्षण तो दिखते हैं लेकिन बीमारी नहीं होती। आमतौर पर
उनका कारण और निवारण समझ में नहीं आता। ऐसी स्थिति में सफ़ेद चंदन का टुकड़ा नीले धागे में लपेटकर गले में धारण करें, जल में चंदन की सुगंध मिलाकर स्नान करें, शनिवार के दिन बताशा बांटें, विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। ये ग्रहण योग के बारे में मैंने बताया, जो कि विशेषकर चंद्रमा और राहु एक साथ जन्म कुंडली में होने से होता है या दृष्टि संबंध से होता है, कुछ हद तक चंद्रमा और शनि, चंद्रमा और केतु का होने से भी होता है। राहु के मंत्र का जाप, केतु के मंत्र का जाप और शनि की पूजा पाठ किसी योग्य व्यक्ति से अगर घर में कराते हैं तो उससे भी उसका फायदा है। यूँ तो मुझे भी कई बार लोग बुलाते हैं मंत्र जाप करने के लिए, विदेशों तक बुलाते हैं, हालांकि मैं जा नहीं पाता। कई बार मैं कुछ लोग कहते हैं कि आप ऑनलाइन ही कर दीजिए, हालांकि इतना प्रभावशाली नहीं होता। कुछ मित्र लोग होते हैं तो उनके लिए हम ऐसे भी मैंने कई बार प्रयत्न किए हैं। तो आप ज़रूर पाठ करिएगा, दान पुण्य करिएगा, आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। ये ग्रहण योग के कारण ही घर परिवार में बाधाएं आती है, बच्चे सुनते नहीं हैं, पति पत्नी में झंझट होता है, नौकरी के अच्छे चांस नहीं मिलते, व्यक्ति जीवन भर गलत निर्णय लेता है, एक के बाद एक गलत निर्णय लेता है, डे वन से लेकर वो गलत निर्णय लेता है। अगर किसी का भी ग्रहण योग है वो इस गलत निर्णय से बच नहीं सकता, कर्म तो उसको भोगने पर ही माइनस होंगे। आप जितना अच्छा इंसान हो जाएंगे, हो सकता है मालिक परमात्मा ऊपर वाला अगर वो चाहे तो उसको माइनस कर सकता है। मेरे एक नया चैनल मैंने शुरू किया है, हालांकि इतना ज़्यादा मैंने उसको प्रमोट नहीं कर पाया हूँ। उसका नाम है योगा और मेडिटेशन, प्रोफेसर आशीष कुमार। मेरा निवेदन है आपसे उसको भी सब्सक्राइब करिएगा। उसमें मैं योगा और ध्यान के बारे में विशेष लेक्चर्स लेके आऊँगा। मैं आप में से बहुत से लोगों को भी कुछ इन चीज़ों में मेरे साथ जोड़ने की कोशिश करूँगा कि आपने कोई वीडियो शूट किया मुझ तक पहुँचे, और जो भेजेगा डेफिनेटली मैं उसको एक घंटा बोलना चाहूँगा, एस्ट्रोलॉजी के बारे में गाइड करना चाहूँगा, या फिर और भी मैं उसे कोई फ़ायदा जैसे दे सकूँ, उसको कोई अपनी तरफ से कोई गिफ्ट दे सकूँ, जो पूजा सामान जिससे उसको कैरियर, तो मैं ऐसा चेष्टा करूँगा मैं। तो आप मेरे से जुड़ते रहिएगा और मेरे चैनल को प्रमोट करिएगा। तो डेफिनेटली जो मेरा चैनल प्रमोट करेगा डेफिनेटली मैं उसका ध्यान रखूँगा। और पुराने सब्सक्राइबर्स को तो मैं वैसे ही जवाब दे रहा हूँ, आप मेरे वीडियोज़ को देख सकते हैं, मैंने कईयों को बड़े डिटेल में कमेंट बॉक्स में पूरी कुंडली को बनाकर मार्गदर्शन दिया है जितना संभव हो सका। आपकी कुंडली में जो है मैं वो चेंज तो नहीं कर सकता, मेरी कुंडली में जो है मैं भी नहीं चेंज कर सकता। मैं काफ़ी समय मेरा ध्यान पूजा पाठ में रहता है, तो मुझे कई बार ध्यान से भी मैं लोगों के बारे में पूछता हूँ तो वो भी बड़े एक्यूरेट जाता है। तो इस विषय में कभी बाद में बात करेंगे, कुछ लोगों को मैं बताना चाहूँगा ध्यान के द्वारा भी इस डेट ऑफ बर्थ से जाना जा सकता है। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।